टीवी के पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 16 के 16वें सीजन का आगाज हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी ऐसे कई कंटेस्टेंट शो में शामिल हुए हैं जो विवादों में रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा विवाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद खान के नाम पर हो रहा है, जिन पर कई लड़कियों ने पिछले सालों में मीटू मूवमेंट के दौरान यौन शोषण के आरोप लगाए थे। अब साजिद खान के बिग बॉस 16 में शामिल होने के बाद सिंगर सोना महापात्रा ने खुलकर अपनी नाखुशी जाहिर की है और कहा है कि वह इस फैसले से बेहद निराश हैं। सोना महापात्रा ने सोशल मीडिया पर साजिद के खिलाफ एक और पोस्ट करते हुए लिखा, ये है साजिद खान और अब रियलिटी शो पर। तब अन्नू मलिक बच्चों के म्यूजिक रियलिटी शो को जज कर रहा था। और तो और कैलाश खेर, ये वो लोग हैं जो टीवी पर नजर आते हैं। इन सभी पर कई महिलाओं ने मीटू के दौरान बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इंडियन टीवी चैनल और इनके अधिकारी बेहद घटिया हैं। साथ ही सोना महापात्रा ने लिखा, मुझे पक्का यकीन है कि ये मार्केटिंग और क्रिएटिव टीम हंसते हंसते इनका प्रमोशन करेगी। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा, जैसे इंडियन आइडल में पिछली बार मिला था। अपने कुकर्मों को भुलाकर चैन की नींद सो जाओ। सोना इससे पहले भी साजिद खान के खिलाफ कई बार सोशल मीडिया पर लिख चुकी हैं। वैसे बता दें कि सोना महापात्रा अकेली ऐसी इंसान है जो साजिद के खिलाफ लिख रही हैं। बिग बॉस 16 के प्रीमियर में साजिद खान ने यह बताया था कि उनके हाथ से हाउसफुल 4 निकल गई, लेकिन ये नहीं बताया कि यह उनके हाथ से क्यों निकली। दरअसल यह फिल्म साजिद खान पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद उनसे छीन ली गई थी। बात सोना महापात्रा की करें तो वह इससे पहले भी कई बार साजिद खान और अनु मलिक को सोशल मीडिया पर खुलकर टारगेट कर चुकी हैं। केवल साजिद और अनु ही नहीं, बल्कि सोना ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को भी कई बार टारगेट किया है। इसके बाद सलमान के फैंस ने सोशल मीडिया पर सोना महापात्रा को जमकर ट्रोल भी किया था। वैसे इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और इस तरह की वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।